मुंबई की कस्तूरबा पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग की 3 ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों के पास से 4 लाख नकदी बरामद किए गए हैं। ये ठग गैंग ने फरियादी को 5 करोड़ का लोन पास कराने के लिए 5 लाख लेकर कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद में रामदेव होटल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग के दौरान ही 2 आरोपी फर्जी पुलिस बल बड़ा ड्रेस के पहुंचे और फरियादी से 5 लाख रुपए को लेकर पूछताछ करने लगे कि ये पैसे कहां से आए और किस काम के लिए आए हैं। दोनों फर्जी पुलिस फरियादी को बाहर लेकर गए और 5 लाख लेकर फरार हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन का रुख किया और जब उन्हें पता चला कि ये पुलिस नहीं, ये सब फर्जी पुलिस वाले थे, तो उन्होंने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। कस्तूरबा पुलिस की डिटेक्शन टीम ओम टोटावर और राहुल वालुस्कर ने 2 टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी के आधार पर इन मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस मामले पर पुलिस उपायुक्त सोमनाथ गार्गे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये मामला हुआ था 15 जून को तकरीबन 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान। एक रामदेव होटल है जो नेशनल पार्क के पास है, वहाँ ये एक आरोपी जमा हो गए थे और जो यहाँ इसमें जो कंप्लेनेंट है इंतिका सहियत, तो उसको बताया गया था कि आपको 5 करोड़ का लोन दिया जाएगा और इस लोन के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है तो वो 5 लाख है। तो 5 लाख जो है ये फिरियादी को लेके बुलाया था और वहाँ जैसे कि ये कंप्लेनेंट पहुँचा और वहाँ पे ऑलरेडी जो 3 आरोपी थे, तब अचानक वहाँ 2 पुलिस आ गए कि जो सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने उनको बताया कि ये कैस कहाँ का पैसा है और आपका क्या चल रहा है, ऐसा बोल के इनको वहाँ से लेके गए, पैसा लेके गए। जो कंप्लेनेंट था उसको लगा कि ये सही में पुलिस की रेड है और वो चुप बैठा, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये जो पुलिस आए थे ये नकली पुलिस है। फिर ये कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दिया गया, एक जो चीटिंग का जो ऑफेंस है वो रजिस्टर किया गया। पुलिस ने तुरंत जो इसमें एक्यूज्ड है, 5 में से 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और 5 लाख में से 4,15,000 रुपया भी रिकवर किया है। ये जो 3 एक्यूज्ड जो है जो अरेस्ट किए हैं उनमें से राम सिंह डोलगे ये जो एक्यूज्ड है ये एक निलंबित पुलिस है और बाकी जो है उसमें से एक अजहर पटेल है ये मेन एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ और दो चीटिंग के मामले दर्ज है। आपको बता दें कि पुलिस को इन 3 आरोपियों के पास से ठगी के पैसे बरामद हुए। इन आरोपियों में राम सिंह डोलगे जो नायगांव पुलिस स्टेशन से सस्पेंड है वो भी शामिल था। सभी आरोपी ठग गैंग के हैं जो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनको लोन की जरूरत हो और लोन के बहाने मीटिंग के दौरान फर्जी पुलिस की रेड कराते हैं और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।